लोमड़ी और बगला। भैरव कोना नामक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। उसे यह गर्व था कि वो बहुत चालाक है। वो हमेशा दूसरे जानवरों को सताता रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ की टहनी से एक अंगूर के गुच्छे को बांधा। वहां एक बंदर आया और अंगूर की तरफ लपका। लोमड़ी ने अंगूर से बंधे रस्सी को खींचा। और कहा, अंगूर देखा तो खाना चाहता है। तब बंदर गुस्से में वहां से चला गया। एक दिन यह लोमड़ी एक झील के किनारे गया। वहां उसने मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला और बैठ गया। वहीं पर एक बगला मछली पकड़कर खा रहा था। क्यों रे बगले, तुम बड़ी मछली पकड़ रहे हो, पर मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा? पकड़ में तो आएगी, लेकिन समय लगेगा। सब्र से काम लेना होगा मित्र। पर हम बगलों की बात ही कुछ और है। हमारी चोंच लंबी होती है, इसीलिए हम आसानी से पकड़ लेते हैं। यही फर्क है। लोमड़ी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? चोंच लंबी है तो क्या हुआ, इसे सबक सिखाना होगा। अरे बगला भाई, यहाँ की इन कच्ची मछलियों को खाकर तुम उबे नहीं? कल मेरे घर आ जाओ, तुम्हें बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाऊंगा। सही कहा मित्र, इन कच्चे मछलियों को खाया नहीं जाता। वाकई तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, परिचय होते ही घर बुला रहे हो। मैं जरूर आऊंगा मित्र, धन्यवाद। अगले दिन बगला लोमड़ी के घर गया। अंदर से मांस पकने की सुगंध आ रही थी। बगले ने सोचा, वाह, अंदर मेरा दोस्त मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना रहा है, आज खाने में मजा आ जाएगा। तभी लोमड़ी दो थाली लेकर आया। उन थालियों में सूप भरा हुआ था। खाओ मित्र, ये मुर्गी का बना सूप है, तुमने शायद कभी नहीं खाया होगा, बहुत स्वादिष्ट है। बगला अपने चोंच से खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे एक भी बूंद खाया नहीं गया। क्या हुआ दोस्त, नहीं खाया जा रहा? पर अपनी चोंच से बड़ी बड़ी मछलियां तो पकड़ लेते हो, सूप नहीं पी सकते? ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे खाया जाता है। ये कहते हुए उसने बगले के प्लेट का भी सूप चटकर डाला। बेचारा बगला भूखा रह गया। बगला समझ गया कि ये सब उसको सताने के लिए किया जा रहा है, इसे सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर उसने, मित्र, तुम्हारे दिए गए सूप को नहीं खाया, मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे खाने पे बुलाया। तुम कल मेरे घर आओ, तुम्हें मैं विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाऊंगा। ठीक है मित्र, मैं जरूर आऊंगा, मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना। अगले दिन लोमड़ी बगले के घर जा पहुंचा। बगले के घर से मछली पकने की खुशबू आ रही थी। वाह, क्या खुशबू है, मुंह में पानी आ रहा है, रोक नहीं पा रहा हूं। अंदर से बगला दो सुराही भर के मछली लेकर आया, उन्हें मेज पर रखा और कहा, मित्र, मेरे घर आने के लिए धन्यवाद, अब मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। कहते हुए सुराही में चोंच डालकर खाना शुरू किया। लोमड़ी के बहुत कोशिश करने पर भी वो सुराही में मुंह डालकर खाना खा नहीं पा रहा था, मुंह सुराही के अंदर नहीं जा रहा था। तब बगला पास आया और बोला, क्या बात है मित्र, नहीं खा रहे हो? ये मुर्गी है, इसे ऐसे खाते हैं। बोलते हुए दूसरे सुराही से भी खाना शुरू किया। तब लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। कैसे खाना है मुझे पता है, सिखाने की जरूरत नहीं। कहते हुए लोमड़ी ने जोर से अपना मुंह सुराही के अंदर डाला। मुंह सुराही में फंस गया और मुंह जल गया। हाय हाय, मुंह जल गया, मुंह जल गया। कहते हुए वो वहां कूदने लगा। क्यों घमंडी लोमड़ी, आई अकल ठिकाने? ये मत सोचो कि तुम सिर्फ अकलमंद हो, दूसरों को सताना बहुत गलत है। भगवान हर जीव को अलग अलग रूप देता है, वो उसका बल होता है, इसीलिए एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जाओ अब से अच्छा बनो, आइंदा यहां दिखाई दिए तो खैर नहीं होगा, जाओ। बेचारा लोमड़ी वहां से भूखा ही चला गया। इसीलिए बच्चो, कर भला तो हो भला, बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। आई बात समझ में? गधा, कुत्ता और एक धोबी की कहानी। रामपुर नाम के एक गांव में
वीरू नाम का एक धोबी रहा करता था। उसका एक कुत्ता और गधा भी था। वो रोज अपने गधे पे बोरिया लांद के शहर जाके बेच आता था। उसका कुत्ता भी उन्हीं के साथ जाया आया करता था। वो गधा उस कुत्ते को देख के बहुत जला करता था। इस कुत्ते को और कोई काम धाम नहीं, सारा दिन पेट भर खाना और रात भर टांग फैला के सोना, सारा वजन मुझे ही ढोना पड़ता है और इसे देखो एक काम नहीं करता, वो सोचा करता था। एक दिन रात को वो धोबी जब गहरी नींद में था, एक चोर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर कुत्ता आराम से सो रहा था। ये देखकर गधा घबरा गया और उसने कुत्ते से कहा, दोस्त दोस्त जागो जागो, एक चोर घर के अंदर घुसा हुआ है। तो कुत्ते ने कहा, आने दो तो मैं क्या करूं, मुझे सोने दो। तो गधे ने कहा, ये क्या बात हुई, चोर आने पे भौंको ना, ये तो तुम्हारा काम है, भूल गए हो क्या, जोर से भौंको, जल्दी करो। तो उस कुत्ते ने कहा, कौन सी जिम्मेदारी, क्या हमारा मालिक जिम्मेदार है, जो उसके पास काम करता है उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, मैं क्यों अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, परसों संडे था पर उसने मुझे चिकन नहीं खिलाई, मुझे बहुत गुस्सा आया है, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं भौंकूंगा, समझे। तो गधे ने कहा, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें वो खाना देता है यही बहुत बड़ी बात है, क्या तुम मेरी तरह वजन उठाते हो, वो बेचारा तुम्हें एक दिन चिकन देना भूल गया इसलिए तुम नहीं चिल्लाओगे, बहुत गलत बात है, समझे तुम। तो कुत्ते ने कहा, मेरे खाने के बारे में बोलने वाले तुम कौन होते हो, तुम्हारा काम है वजन ढोना, मेरा काम है चौकीदारी करना, मुझे अपना काम ठीक से करना आता है, पर अब मैं बहुत गुस्से में हूँ इसीलिए आज मैंने अपना काम नहीं किया, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आज तुम ही भौंको, समझ गए तुम, उसने गुस्से में कहा। तब उस गधे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, उसकी आवाज से धोबी की नींद खुल गई और वो उठ गया, वो चोर वहां से भाग गया। पर गुस्से में धोबी ने कहा, अरे मैं सो रहा था, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, लग रहा है ये गधा पागल हो गया है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, अबे गधे चुप चुप हो जा, रुक अभी मजा चखाता हूं तेरी। वो उठ के अपना लाठी लेके उस गधे की ओर बढ़ा, उसको आते हुए देख गधा वहां से डर के भाग गया। तो बच्चों समझ गए इस कहानी के सारांश को, जिसका काम उसी को करना चाहिए, दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये कहानी है सोने के अंडे देने वाले एक बतख की। कृष्णपुरम नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था, उसका नाम था रामैया। वो बहुत परिश्रम करता था, हर रोज वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता था, लकड़ियां बेच के जो थोड़े पैसे उसको मिलते थे वो उससे अपना घर चलाता था। एक दिन जब वो जंगल जा रहा था उसे एक शेर दिखा, शेर का पैर दो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था, वो हिल नहीं पा रहा था और दर्द के मारे दहाड़ रहा था। रामैया निडर होके उस शेर के पास गया और पत्थर हटा के उस शेर को आजाद किया। आजाद होते ही वो शेर एक देवी में बदल गई। रामैया चौंक गया और उसने उस देवी को प्रणाम किया। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था जिसके कारण मैं एक शेर में बदल गई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई हिम्मत वाला आदमी आकर मेरी रक्षा करेगा तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी, पर हर कोई मुझसे डरकर भाग जाते थे। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे हिम्मत से श्राप मुक्त किया। फिर देवी ने एक बतख प्रकट करके रामैया को दिया। ये कोई साधारण बतख नहीं है, ये सोने के अंडे देती है, पर ये हर दिन एक ही अंडा देगी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम सुखी होगे। और पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद हर रोज वो बतख एक सोने का अंडा देता था और रामैया उसे शहर ले जाकर बेच आता था। बहुत जल्द वो एक अमीर आदमी बन गया। उसने एक नई घर बनाई और जंगल जाना छोड़ दिया। अब वो एक आलसी आदमी बन चुका था। जैसे जैसे उसकी अमीरी बढ़ी उसके कुछ दोस्त भी बढ़ गए। अब वो शराब पीता था और जुआ भी खेलने लगा। उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर उसने अपनी पत्नी की एक न मानी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो बतख दिन में सिर्फ एक ही सोने का अंडा देता है। हर रोज एक अंडा बेच के मुझे जो पैसा मिलता है वो पैसे मुझे कम पड़ते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, पता भी है हमें पैसों की कमी क्यों हो रही है, तुम्हारी इन बुरी आदतों की वजह से। वैसे भी लालच बुरी बला है, अब तो सुधर जाओ और परिवार का ख्याल करो। पत्नी की बातों से रामैया नाराज हो गया। उस रात जब रामैया की पत्नी सो गई, रामैया एक चाकू लेके धीरे धीरे उस बतख के पास पहुंच गया। रामैया ने सोचा, हर रोज ये मुझे एक सोने का अंडा देता है, जरूर इसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। अगर उसका पेट काट के
मैं सारे अंडे निकाल लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सोच के रामैया ने उस बतख का पेट काट दिया। बतख की आवाज से रामैया के पत्नी की नींद टूटी और उसने रामैया से कहा, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? तुम इतनी लालची हो गए कि तुमने उस बतख को मार डाला। वो रोज एक सोने का अंडा देती थी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तब रामैया को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, क्या आपने इस कहानी का अर्थ को समझा? इसका अर्थ है, लालच बुरी बला है। गधा और नमक की गटरी की कहानी। कई साल पहले एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहता था। उसका एक आलसी गधा भी रहता था। वो रोज अपने गधे पे नमक की बोरियां लादकर शहर जाकर उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। वो व्यापारी अपने गधे को बहुत प्यार से रखता था, पर वो गधा काम करने से बिल्कुल कतराता था। एक दिन उस व्यापारी ने अपने गधे पे नमक की बोरियां डाली और शहर की तरफ निकल पड़ा। नमक की बोरियां काफी भारी थी तो गधे ने कहा, छी छी, और कितने दिन इन नमक की बोरियों को ढोता रहूंगा? मेरे मालिक को और कोई व्यापार सूझता नहीं है क्या? थोड़ा खा के सो जाता तो कितना सुख मिलता। रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ा। जब वो दोनों नदी पार कर रहे थे तो गधे का पैर फिसला और वो नमक की बोरियों के साथ पानी में गिर गया। जो नमक की बोरियां उसकी पीठ पे थी वो पानी में डूब गई। गधा किसी तरह तैर के घाट तक पहुंचा। उसके पीठ पे जो बोरिया थी उसमें से काफी नमक पानी में घुल गया था, इसलिए बोरिया उसे हल्की लगने लगी थी। गधा चौंक गया और उसने कहा, अरे ये क्या हुआ? पीठ पर तो वजन बहुत कम हो गया। इस पानी में जरूर कोई जादू है। उस पानी में गिरने से बहुत वजन कम हो गया। आगे से हर रोज मैं इस पानी में गिरूंगा और गठरियों का वजन कम करूंगा। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन भी अपने गधे को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा वो व्यापारी। नदी पार करते वक्त जानबूझकर पानी में गिर पड़ा वो गधा। जब वो गधा पानी से बाहर निकला तो वजन कम हो चुका था, तो वो खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। दो दिन से गधे के इस नाटक को देख रहा था व्यापारी, तो उसने गधे को सबक सिखाने की ठानी। तीसरे दिन भी हर रोज की तरह व्यापारी ने गधे पे नमक की बोरियां लादी और शहर की तरफ निकल पड़ा। पर इस बार उसने चालाकी से बोरियों में नमक की जगह रुई भर दी। इस बात से अनजान गधा उस दिन भी जानबूझकर पानी में गिर गया। पर इस बार क्योंकि बोरियों में रुई भरा हुआ था, पानी में भीगने से उनका वजन बढ़ गया। किनारे पे पहुंचने पे गधे को गठरियों का वजन ज्यादा लगने लगा। गठरियों का वजन बढ़ गया था, इसलिए वो गधा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। तो व्यापारी ने सोचा, तुम मुझे ही धोखा देने का प्रयत्न कर रहे थे। तुम जैसे गधे को सीधा करना मुझे अच्छी तरह आता है। जल्दी जल्दी चलोगे या डंडे से लगाओ दो चार? उसने अपना डंडा ऊपर उठाया। ये देखते ही गधा तेजी से दौड़ने लगा। तो बच्चों, इस कहानी का अर्थ ये निकलता है कि हम जो भी काम करें उसे भक्ति और श्रद्धा से करनी चाहिए। काम कम करने के लिए गलत रास्ते नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी हालत भी उस गधे की तरह हो सकती है। ये कहानी है दो बिल्ली और एक बंदर की। एक छोटे से गांव में दो बिल्लियां रहा करती थी। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ खेला करते थे, पर खाने के मामले में वो हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। हर रोज एक बंदर पेड़ पे बैठकर उन्हें देखा करता था। एक दिन उस गांव में से एक यात्री गुजर रहा था। बहुत दूर से आ रहा था, थका हुआ था। एक पेड़ के नीचे बैठा और उसकी आंख लग गई। दोनों बिल्लियां पास में ही खेल रही थी। एक ने उस यात्री को देखा, उसने दूसरे बिल्ली को बुलाया, जल्दी आओ मेरे दोस्त, देखो उस पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है। लग रहा है उसके पास बहुत सारे खाने की चीजें हैं। दूसरी बिल्ली ने कहा, तो इंतजार किस बात की, चलो जाके खाना ले आते हैं। पहली बिल्ली ने कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, अगर वो उठ गया तो हम दोनों को मार डालेगा, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बिल्ली ने कहा, तुम एक नंबर के डरपोक हो गए हो, हर बात पे डरते हो, रुको मैं ही जाके ले आता हूँ। दूसरी बिल्ली छुपके से उस आदमी के पास गया। उसने रोटी चुराई और दबे पांव आहिस्ते से रोटी लेके वापस आ गया। इसके बाद दूसरी बिल्ली ने उस रोटी को खाने की ठानी तो पहली बिल्ली ने उसे रोक दिया। रुको, तुम अकेले इस रोटी को कैसे खा सकते हो? मेरे हिस्से का रोटी भी तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तुम्हारा कैसा हिस्सा? रोटी मैंने चुराई है, तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम जाके अपना काम करो, ये रोटी तो पूरा मैं ही खाऊंगा। पहली बिल्ली ने कहा, ये कैसे होगा? इस रोटी के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया था, और अगर मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया होता
तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए तुम्हें मुझे मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, तुमने मुझे बताया और मैंने रोटी चुराई, इसलिए दोनों रोटी को आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है? ठीक है, पर खाने के मामले में मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता तुम कब मुझे धोखा दे दो, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। उसी वक्त बंदर पेड़ से कूदकर नीचे आ गया। उसने कहा, सुनो दोस्तों, मैं तुम्हारा झगड़ा काफी देर से सुन रहा हूँ। तुम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो, मुझ पे भरोसा कर लो। मैं उस रोटी के टुकड़े को बराबर हिस्सों में बांटूंगा। ला, रोटी मुझे दे दो। फिर बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए और दोनों टुकड़ों को तराजू में रख दिया। तराजू एक तरफ थोड़ा ज्यादा झुक गया, तो बंदर ने कहा, अरे एक टुकड़ा तो ज्यादा बड़ा हो गया। बंदर ने उस टुकड़े से थोड़ा खाकर उसे वापस रख दिया। अब तराजू दूसरी ओर थोड़ी ज्यादा झुक गई। बंदर ने कहा, अरे अब ये टुकड़ा बड़ा हो गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं दोनों टुकड़ों को बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। बंदर ने फिर से थोड़ी सी रोटी खाई और तराजू में रख दिया। इस तरह बंदर बारी बारी तराजू में से रोटी निकालता गया और खाता गया। और इससे पहले कि बिल्लियों की समझ में कुछ आए, बंदर ने पूरी रोटी खाई और पेड़ पे चढ़ गया। फिर वो हंस के उनसे बोला, मेरे अकलमंद दोस्तों, अब तक तो तुम दोनों ने एक बात समझ ही ली होगी, जब दो लोग लड़ते हैं तो बीच में तीसरा आके लाभ उठा लेता है। फिर बिल्लियों को अपनी मूर्खता पे अफसोस हुआ और वो वहां से चली गई। ब्राह्मण और बकरी की कहानी। एक गांव में गांव वालों ने ब्राह्मण गोसाई को एक बकरी भेंट में दिया। उनमें से एक ने कहा, ब्राह्मण गोसाई, हमारी गांव की तरफ से हम इस बकरी को आपको भेंट में देते हैं। इसकी दूध बहुत पौष्टिक है और सेहत के लिए अच्छी है, स्वीकार कीजिए महाराज। उस बकरी को अपने कंधे पे लाद कर ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और सोच रहा था, भेष, उस गाँव के लोग कितने अच्छे हैं, इतने स्वस्थ और तंदुरुस्त बकरी को मुझे दान में दे दिया। उस जंगल में तीन चोर खड़े थे, उन्होंने ब्राह्मण को आते हुए देखा। एक ने कहा, भाई क्या बकरी है, क्या तंदुरुस्त है, उसको पका के खाने से जो मजा आएगा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तुमने सही कहा है, किसी भी हालत में उस बकरी को हासिल करना पड़ेगा, आज रात तो इसे पका के खाना ही पड़ेगा। तीसरे ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, वो ब्राह्मण मूर्ख है, ये सब जानते हैं, मैं जो कहता हूँ वही करो, बकरी हमें मिल ही जाएगी, समझे। एक चोर उस ब्राह्मण के सामने से गुजरा और उस ब्राह्मण से कहा, अरे ये क्या ब्राह्मण गोसाई, उस कुत्ते को कंधे पे लेके कहाँ जा रहे हो। आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे कुत्ते में और बकरी में अंतर समझ में नहीं आता, ये बकरी है बकरी, समझे। तो उस चोर ने कहा, माफ कीजिएगा स्वामी, मुझे जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, आप कृपया मुझ पे गुस्सा मत कीजिए, मैं चलता हूँ। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्या जमाना आ गया है, बकरी को देख के कुत्ता बोल रहा था, मुझे क्या वो अंधा समझता है। ऐसे सोच के वो चलने लगा। इस बार दूसरा चोर उसके सामने से गुजरा। अरे ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण गोसाई, कोई ब्राह्मण एक मृत जंतु को ऐसे कंधे पे उठा के ले जाता है क्या, शिव 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 शिव। इस बार ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, क्या बोल रहे हो, एक जिंदा बकरी को तुम मृत बता रहे हो, अंधे हो क्या। मैं क्या जानू महाराज, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हो रहा है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या बोल रहे हैं इन्हीं को नहीं पता। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उस ब्राह्मण गोसाई से वो तीसरा चोर एक पेड़ के नीचे बैठ के मिला। ब्राह्मण, उस गधे को अपने कंधे से उतार दे, वरना जो देखेगा तेरे मुंह पे हंसेगा, तू गधे को कंधे पे लेकर क्यों घूम रहा है। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया, अरे एक इंसान झूठ बोल सकता है, क्या तीनों के तीनों झूठे हैं, शायद मेरे कंधे पे कोई भूत प्रेत है, इसीलिए वो अलग अलग लोगों को अलग अलग दिख रहा है, उस गांव वालों ने मुझे धोखा दिया और इस भूत प्रेत को मेरे कंधे पे लाद दिया, बाप रे, इसे तो अभी उतारना पड़ेगा। ये सोचकर उसने बकरी को दूर फेंक दिया और वहां से भागने लगा। बचाओ, ये देखकर वो तीनों चोर बहुत खुश हुए, वो बकरी को लेके वहां से खिसक लिए। तो बच्चों, दूसरों पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। साइंटिस्ट और लिलीपुट बच्चों की कहानी। एक बड़े शहर में एक कॉलोनी में रमेश और श्रुति नाम के दो दोस्त रहा करते थे। उनको टॉमी नाम के कुत्ते के साथ खेलना बहुत पसंद था। उनके बगल के मकान में एक साइंटिस्ट रहता था। वो हर वक्त कोई ना कोई परिशोधन करता ही रहता था। एक दिन रमेश और श्रुति उस साइंटिस्ट से मिलने उनके घर गए।
तो साइंटिस्ट ने पूछा, क्यों बच्चों, कैसे हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? मुझसे मिलने आए, कोई जरूरी काम है? तो रमेश ने कहा, सुना है आप साइंटिस्ट हैं, मेरे पापा ने कहा था। क्या अब तक आपने कोई परिशोधन किया है? हम देखना चाहते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा, हाँ जरूर, मैं जाके थोड़ी सी कॉफी पी के आता हूँ, तब तक तुम लोग यहीं रुको, यहाँ पर कोई भी चीज को हाथ मत लगाना, खतरा हो सकता है, समझ गए? फिर वो चले गए। रमेश और श्रुति ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, इतने में श्रुति ने वहां एक हरा बटन को दबा दिया। ऊपर से एक तेज रोशनी आई और वो छोटे हो गए। रमेश ने घबरा के कहा, अरे रे, हम इतने छोटे हो गए, अब हम क्या करेंगे? इतने में उन्हें साइंटिस्ट वापस आते हुए दिखे, उनके पैर के नीचे वो मसल न जाए इसलिए वो तेजी से भागने लगे, फिर वो एक मेज के नीचे छुप गए। साइंटिस्ट ने इधर उधर नजर दौड़ाई और बच्चे नहीं दिखे, उन्होंने सोचा बच्चे चले गए होंगे और वो अपने काम में मशरूफ हो गए। तब श्रुति ने कहा, रमेश मुझे एक तरकीब सूझी है, मैं साइंटिस्ट सर को फोन करती हूँ। ये कह के उसने साइंटिस्ट को फोन किया, पर फोन दूसरे कमरे में था इसलिए साइंटिस्ट को उसका आवाज सुनाई नहीं दिया। इतने में घर साफ करने नौकरानी वहां पहुंची, वो झाड़ू मारते हुए इन तीनों तक पहुंच गई। ये तीन बच्चे उसे दिखे नहीं और कूड़े के साथ साथ इन तीनों को भी ले जाकर कूड़ेदान में डाल आई। बहुत मुश्किल से ये तीनों उस डस्टबिन से बाहर आए। इतने में इनकी तरफ एक चींटी आने लगी, क्योंकि चींटी बहुत बड़ा लग रहा था, डर के मारे ये तीन भागने लगे, पर चींटी उनका पीछा करने लगा। इतने में सामने उनको एक तितली दिखी, वो दौड़ के उस तितली पे चढ़ गए। जैसे वो तितली पे चढ़े वो तितली उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वो तितली वापस उस साइंटिस्ट के घर में घुस गई और जाके एक शेल्फ में बैठ गई। वो तीन तितली के पीठ से उतर गए। तब रमेश की नजर टेबल पे रखे हुए साइंटिस्ट के फोन पे पड़ी। तब रमेश ने कहा, श्रुति हमें किसी भी तरह साइंटिस्ट को इस रूम में लाना पड़ेगा, तब अगर हम उनको फोन करेंगे तो उनको सुनाई देगा। तब श्रुति ने कहा, चलो हम इस बॉटल को नीचे गिरा दें, तब वो इस रूम में जरूर आएंगे। फिर वो तीनों ने बहुत मुश्किल करके बॉटल को धक्का मार के शेल्फ से नीचे गिरा दिया। बॉटल नीचे गिरते ही टूट गई और जोर से आवाज आई। साइंटिस्ट को बोतल टूटने की आवाज सुनाई दी, वो उस रूम में आ पहुंचा। अरे ये बोतल टूटा कैसे? श्रुति ने तुरंत उनको फोन किया। तब जाके साइंटिस्ट ने फोन उठाया, सर सर हमारी रक्षा कीजिए, हम छोटे हो गए हैं, देखिए हम इस सेल्फ पे हैं। तब साइंटिस्ट उस सेल्फ के पास आए तो उनको ये तीनों दिखे। तब साइंटिस्ट ने कहा, तुम तीनों ने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें कोई भी चीज छूने को मना किया था ना? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर तुम्हें वापस बड़ा बना देता हूं। आओ आके मेरे हाथ पे चढ़ जाओ, आ जाओ। तब वो तीन साइंटिस्ट के हथेली पे चढ़ गए। साइंटिस्ट उन तीनों को लेकर वापस लैब में आ गया और उनको जमीन पे खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने लाल रंग की बटन दबाई, फिर ऊपर से एक तेज रोशनी आई और वो तीन वापस बड़े बन गए। तब उन तीनों ने खुशी खुशी साइंटिस्ट को थैंक्स कहा और वहां से चले गए। एक अच्छे गधे की कहानी। रामापुर नाम के गांव में एक गरीब धोबी हुआ करता था। उसके पास एक गधा था, वो गधा बहुत ही अच्छा गधा था। वो गधा वो हर काम करता था जो उसे वो धोबी कहता था, पर वो धोबी उस गधे पे बहुत जुल्म दाता था, उसे ठीक से खाने को नहीं देता था और तो और उस पे बहुत भारी वजन लाद देता था। एक बार उस बेचारे गधे को बुखार हो गया था और वो वजन ढो नहीं पा रहा था, तो धोबी ने उसे डंडे से बहुत बुरी तरह से मारा और बोला, क्यों बुखार होने का नाटक कर रहे हो? जब तक तुम ये वजन नहीं उठाओगे ना तुम्हें खाना मिलेगा ना पानी। उस गधे के दोस्तों ने जब ये सब देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। बंदर ने कहा, देखा उसको बुखार आया फिर भी उसे डंडे से किस तरह से मार रहा है, मुझे तो उस धोबी को पकड़ के पीटने का दिल कर रहा है। कुत्ते ने कहा, हाँ मैं भी उसे बहुत दिन से देख रहा हूँ, वो तो बहुत स्वार्थी है, उसे तो सिर्फ काम से ही मतलब है, ऊपर से बेचारे गधे को काम चोर बोलता है और मारता रहता है।
बिल्ली ने कहा। हाँ हाँ, बेचारा गधा कितना कष्ट उठाता है, फिर भी उसे खाने को नहीं देता, उसे सबक सिखाना चाहिए। कुत्ते ने कहा। ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे दोस्त, उस गधे के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वाओ। बंदर ने कहा। हाँ, उस धोबी से छुपाकर पहले हमारे दोस्त को दवाइयाँ और खाना देना होगा, क्या बोलते हो साथियों? इस तरह अपने दोस्तों के मदद से कुछ दिनों में गधे की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन जब बंदर, बिल्ली और कुत्ता मिलके खेल रहे थे, बचाओ बचाओ आवाजें आने लगी। वो तीन दौड़ के आके क्या देखते हैं, एक आदमी नीचे गिरा हुआ था और उसका पैर पेड़ की एक टहनी के नीचे फंसा हुआ था। उसने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, कोई इस पेड़ की टहनी को हटाओ और मुझे ऊपर उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सहायता करो। उसने ऐसा कहा। वो तीन उसके नजदीक आए तो उसे पहचान लिया। तब बंदर ने कहा, अरे ये तो वही धोबी लगता है। हाँ वही है, इसे अच्छा सबक मिला है, अब इसे समझ में आया कि वजन ऊपर गिरता है तो कैसा लगता है, दर्द से कैसे बिलबिला रहा है, देखा तुमने? तब बिल्ली ने कहा, चलो इस बात की खबर हम अपने दोस्त गधे को देते हैं। वह तीन बहुत खुश होकर दौड़ के अपने दोस्त गधे के पास पहुँचे। गधे ने पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम तीनों बहुत खुश लग रहे हो। बंदर ने कहा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है मेरे दोस्त, वो सुनने के बाद तुम हमसे भी ज्यादा खुश हो जाओगे। गधे ने पूछा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है मेरे दोस्त, मुझे भी तो बताओ। बिल्ली ने कहा, तुम्हारे मालिक पे एक बहुत बड़ा पेड़ का टहनी गिरा हुआ है, उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, इससे अच्छी खुशखबरी और क्या हो सकता है। फिर कुत्ते ने कहा, पर उसे बचाने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है, ये बात तुम्हें बताकर तुम्हें वहाँ ले जाने आए हैं। उफ। गधे ने कहा, मेरे दोस्त जब किसी को चोट पहुंचता है तो वो अच्छी खबर कैसे हो सकती है, मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे हो, पर तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बंदर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मालिक कितना पाखंडी है, जब तुम्हें बुखार हुआ था तुम्हें खाने को नहीं दिया था और पीटा था, भूल गए? तो गधे ने कहा, नहीं मैं कुछ नहीं भूला मेरे दोस्त, ये सच है कि मेरे मालिक ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और तुम्हें उस पे गुस्सा आया, पर सोचो अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम भी तो उसकी तरह ही बर्ताव कर रहे हो, तो तुम में और उसमें क्या फर्क हुआ। तब बंदर ने कहा, तुम सच कह रहे हो मेरे दोस्त, हमसे गलती हुई है, ऐसी गलती आगे से नहीं होगी। गधे ने कहा, चलो मेरे साथ, वो कहाँ है मुझे बताओ, हम सब मिलके उसका रक्षा करेंगे। इस तरह चारों दोस्तों ने मिलकर पेड़ की टहनी को हटाई और उस धोबी को बचाया। उस धोबी ने अपनी गलती को समझी और उसके बाद से उस गधे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगा। तो समझे बच्चों, इस कहानी का अर्थ ये निकलता है कि जो हम वैर से हासिल नहीं कर सकते उसे हम प्यार से हासिल कर सकते हैं। लोमड़ी और मंदबुद्धि बकरे की कहानी। एक बार एक लोमड़ी अपना रास्ता भटक गया और एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। धूप सर पे था, बेचारा चलते चलते बहुत थक गया। इतने में उसे एक कुआं दिखा। वो उस कुएं के पास पहुंचा और उसमें झांक के देखा। आहा, इसमें तो पानी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, पर कुआं इतना गहरा है, मैं पानी पीऊं कैसे? वो सोच रहा था, इतने में उसका पैर फिसला और वो पानी में जा गिरा। फिर लोमड़ी ने पानी पी। अरे वाह, ये पानी तो बहुत मीठी है, मेरी प्यास तो बुझी, पर अब मैं बाहर निकलूं कैसे, कुआं तो काफी गहरा है, बचाओ कोई है तो मुझे बचाओ, वो चिल्लाने लगा। वहां से एक बकरी गुजर रही थी, उसने लोमड़ी की आवाज सुनी और कुएं तक पहुंच गई। उसने कुएं में झांक के देखा। दोस्त तुम अंदर क्या कर रहे हो, तुम कुएं में गिरे कैसे, उसने पूछा। तब लोमड़ी को एक उपाय सूझा। उसने कहा, बाहर कितनी धूप है और ये पानी कितनी शीतल और मीठी है, तुम भी अंदर आ जाओ पानी पी लो। तो बकरी ने कहा, तुम बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे थे? लोमड़ी ने कहा, मैं तो बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रहा था, मैं तो बोल रहा था कोई आओ और ये ठंडी पानी पी लो, तुमने शायद गलत सुना होगा। तब बकरी कुछ भी सोचे समझे बगैर सीधा कुएं में कूद गई। फिर बकरी ने पानी पिया और बोली, तुम सच कहते हो मेरे दोस्त, पानी तो बहुत ही मीठा है,
पर अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तब लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। तुम अगर दीवार के पास खड़े हो गए, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर ऊपर तक कूद जाऊंगा और कुएं से बाहर निकल जाऊंगा। बकरी ने कहा, ठीक है, और खड़ी हो गई। लोमड़ी बकरी पे चढ़ गया और एक छलांग मारकर कुएं से बाहर निकल गया। फिर बकरी ने कहा, दोस्त अब मेरा क्या होगा? मुझे कौन बाहर निकालेगा? तुमने तो कहा था उपाय है। तब लोमड़ी ने कहा, मैंने उपाय निकाला था खुद को बाहर निकालने के लिए, तुम्हें निकालने के लिए नहीं। तुम भी खुद के लिए एक उपाय सोचो और बाहर निकलो। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चला गया। इसलिए बच्चों, कोई भी काम करने से पहले हमें जरा सोच लेना चाहिए, नहीं तो हम बुरे फंस